वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो टॉपिक है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो हेडिंग लिखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन, यहाँ पे मिस हो गया है, ड्यू टू प्रेजेंस, प्रेजेंस मिस हो गया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट। ओके, तो पहले समझेंगे, अगेन पहले समझना है पूरा, फिर उसके बाद मैं फिर से नोट्स बोल दूंगा। तो पहले समझेंगे बेसिकली ये जो हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन एट इंटरस्टिशियल पॉइंट, इट इज शोन बाय जिंक ऑक्साइड। ओके, ये जिंक ऑक्साइड शोन करता है, वन ऑफ द एग्जांपल इज जिंक ऑक्साइड, यही है। और इसमें क्या होता है, मैंने 4 बिट का जिंक ऑक्साइड का लैटिस ड्रॉ कर लिया, इसका क्रिस्टल जो हमारा Zn+2 ऑक्साइड 2 माइनस, Zn+2 ऐसे ऐसे करके ऑक्साइड माइनस कर दिया। At the room temperature, ये solid ink होता है, ये solid होता है at room temperature with white in color, ये white in color at room temperature। Okay, अभी कुछ नोट मत करना, पहले सुनो। अभी क्या है, इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, इसको हम पोर्शन को हीट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये यहाँ से हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जब हीट करेंगे क्रिस्टल को, तो क्या होता है, ये जो Zn+2 है और ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन और Zn+2 आयन के बीच में ये कुछ बॉन्ड नहीं है, तो लैटिस है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अब जब इसको हीट करेंगे तो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट होगा, दैट विल स्टार्ट वीकनिंग, वो वीक होना स्टार्ट होगा और स्लोली स्लोली क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और इस क्रिस्टल से अब नाउ क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट करने के बाद इस क्रिस्टल से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस इट विल कम आउट ऑफ द क्रिस्टल। ओके, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस इट विल कम आउट ऑफ द क्रिस्टल। जैसे ये हमारा इक्वेशन होगा, ये हमारा था सॉलिड क्रिस्टल ZnO, ये पोर्शन ZnO, जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म Zn2+ ये पोर्शन प्लस ऑक्सीजन हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पोर्शन, ये इक्वेशन है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये होता है, ऐसा होता है। तो अभी देखो इस क्रिस्टल से अब एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेगा, ऑक्साइड आयन बाहर निकलेगा। तो जब वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो इस पर चार्ज कितना है, 2 माइनस चार्ज, मीन्स इस पर 2 नेगेटिवली चार्ज है, दैट 2 नेगेटिवली चार्ज विल रिमेन इन द क्रिस्टल। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में ही रहेगा, वो क्रिस्टल के अंदर में, इससे बाहर जो निकलेगा वो सिर्फ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमें पता है इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, गैसेस फॉर्म में जाएगा तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल में जाएगा। तो यहां से एक निकल रहा है तो मैंने आगे में हाफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक एटम है तो इसको एडजस्ट करने के हाफ कर दिया है। अभी क्रिस्टल के अंदर में रह जाएगा Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दिस 2 विल रिमेन इन द क्रिस्टल, व्हेयरएज दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल कम आउट ऑफ द क्रिस्टल। तो देखो क्या हो जाता है, अभी देखो समझो, ये क्रिस्टल क्या होगा जब डिफेक्ट के, ये डिफेक्ट से पहले था, डिफेक्ट के बाद क्या हो रहा है, Zn2+ ऑक्साइड 2 माइनस, यहाँ पे ऑक्साइड 2 माइनस, Zn2+ ऑक्साइड 2 माइनस, Zn2+, ओके, यहाँ पे फिर यहाँ पे Zn2+ ऑक्साइड 2 माइनस, दिस इज Zn2+ ऑक्साइड 2 माइनस, ये पोर्शन यहाँ पे ऑक्साइड 2 माइनस, दिस अभी हमारा पोर्शन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब ये पोर्शन जो था ये हमारा एक वैकेंट हो गया, ये पोर्शन वैकेंट हो गया, और यहाँ पे Zn+2 था, ये ऑक्साइड 2 माइनस, ये पोर्शन क्या हो गया Zn2+। तो ये जो था, ये पोर्शन जो था, दिस पोर्शन, ये जो है ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो बाहर निकला है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ द क्रिस्टल, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो टूट गया। एंड फ्रॉम द लैटिस पॉइंट से, ये Zn आयन फ्रॉम द लैटिस पॉइंट से चला जाता है इंटरस्टिशियल पॉइंट, दिस मूव्स टू द इंटरस्टिशियल पॉइंट, एंड दिस जो ये जो ऑक्साइड आयन निकला, ऑक्साइड आयन का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, लेकिन इसका जो नेगेटिव चार्ज था, मींस व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे दैट रिमेन्स इन द क्रिस्टल, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन, नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन, बगल वाले नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चल जाता है। अब इस ये डिफेक्ट के बाद है, अब जरा देखते हैं इसमें Zn+ कितने, पॉजिटिव कितने, मेटल कितने, मेटल को जरा देखते हैं, तो 1 2 3 4 मेटल को काउंट करते हैं, टोटल मेटल कितने इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेटल इज 8, नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन हाइड आयंस कितने, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अभी देखो इसमें जो जिंक है, मेटल जो है इट इज 8, बट जो ऑक्सीजन है दैट जो ऑक्साइड आयन था, जो ऑक्सीजन है इट इज 7। तो मेटल एक्सेस, हाँ ओवरऑल चार्ज हमारा न्यूट्रल है,
चार्ज हम देख लेंगे तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, जितना प्लस टू है उतना ही माइनस टू है, बट इंस्टेड ऑफ वन ऑक्साइड आयन वहां पे हमारा टू इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। बट मेटल का नंबर ज्यादा है और ऑक्सीजन का नंबर, नॉन मेटल का नंबर क्या है, कम, तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये हमारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट द इंटरस्टिशियल साइड, इस साइड पे हमारा एक्स्ट्रा केटायन आया है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मतलब एक केटायन को मैंने भेजा है ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे, अब बहुत ज्यादा हीट होगा तो और भी जो आयंस है केटायंस है और दैट विल मूव टू द इंटरस्टिशियल साइड्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल कम इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट विल कम आउट ऑफ द क्रिस्टल, ओके। अभी एक ऑक्सीजन है लेकिन इसको हम जानते हैं ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस ही डायटोमिक होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ दे देंगे, तो दिस इज द, हम एक ही एग्जांपल एक ही आयन लेके करेंगे, तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट द इंटरस्टिशियल साइड, ये पोर्शन। तो वी हैव टू ड्रॉ दिस वन, एग्जाम बुक में ड्रॉ नहीं किया है, दिस हैवंट ड्रॉन इन द बुक, बुक में ड्रॉ नहीं किया है, तो तुम लोग चाहोगे तो इस पोर्शन को समझने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अब मैं समझा देता हूँ एक एक करके, पॉइंट्स मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना है इसमें, ओके। तो पहले फिर से एक चीज और फिर से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट, चलो फर्स्ट पॉइंट मैं बोल, ये समझ में आया पूरा, फिर से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वेट, कि हमारा जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल था इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इट इज इन सॉलिड स्टेट, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट होता है, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे व्हाइट इन कलर होता है सॉलिड स्टेट में। जब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल को, तो यहाँ से क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, फोर्स जो है वो वीक होना स्टार्ट होगा और बॉन्ड फोर्स वीक हो जाएगा और ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड जो बोल सकता है अट्रैक्टिव फोर्स, वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ द क्रिस्टल, लिविंग बिहाइंड द जिंक आयन एंड द टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस जिंक आयन विल गो टू द इंटरस्टिशियल साइड एंड देन दिस टू इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड, वो वहां पे चला जाएगा, ओके। अभी क्या होता है, अभी इसमें पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर दोस पॉइंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट पहले समझो, पहले सुनो, पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि ये पोर्शन जो है, अच्छा एक वो वहां तक कंप्लीट करके उसको ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें एक और चीज पॉइंट था, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पहले बिफोर डिफेक्ट द फॉर्मूला इज जेड एन ओ, डिफेक्ट से पहले द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल वाज जेड एन ओ, यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है, आफ्टर द डिफेक्ट द फॉर्मूला बिकम्स जेड एन वन प्लस एक्स ओ वन, दिस इज द फॉर्मूला, ये पोर्शन आ गया जेड एन वन प्लस एक्स ओ वन, दिस इज द न्यू फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है, अभी देखो पहले जिंक वन ऑक्सीजन वन उतना ही था, वन इज टू वन रेशियो में था, अभी क्या है जिंक वन है और ऑक्सीजन भी वन है, लेकिन जिंक के साथ प्लस एक्स, प्लस एक्स बोलने का मतलब क्या है कि अगर जिंक जितना होगा उतना तो ऑक्सीजन कंपलसरी होगा, जितना ऑक्सीजन हो उतना कंपलसरी, जैसे इस क्रिस्टल में देखेंगे डिफेक्ट हो चुका है, ऑक्सीजन इज सेवन, जिंक इज ऑल्सो सेवन प्लस वन के फॉर्मेट में है, जिंक एट है टोटल, लेकिन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं सेवन प्लस वन एट में, मीन्स वॉट, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है वन, मतलब इस क्रिस्टल में एक जिंक कितना, एक एक्स्ट्रा था, कितना जिंक एक्स्ट्रा था, तो एक जिंक एक्स्ट्रा था, तो दैट एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा होगा दैट रिप्रेजेंट्स एक्स, एक्स जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट्स कितना जिंक, कितना मेटल्स एक्स्ट्रा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन एटम। अभी इस क्रिस्टल में एक जिंक मेटल एक्स्ट्रा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन एटम, सपोज इसमें से मैं दो ऑक्सीजन निकाल देता हूं, तो दो जिंक विल मूव टू द, दो जिंक आयन मेटल होता है दैट मूव्स टू द इंटरस्टिशियल साइड, यहां पे हमारा जो होता है ये x पे बराबर जेड एन वन प्लस टू होता, वो ऑक्सीजन वन, यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे टू होता वहां पे, उसके इसमें अभी x का वैल्यू वन है, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, जितना भी एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा मेटल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन होगा, एक्स्ट्रा मेटल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, दिस विल बी गिवन द फॉर्म ऑफ x का वैल्यू होगा, दैट विल बी, तो जेड एन, तो फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द डिफेक्ट बिकम्स जेड एन, जेड एन वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स ऑक्सीजन वन, ये पोर्शन होता है ये फॉर्मूला, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेटल आयन, ठीक है, नंबर ऑफ मेटल आयन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मेटल आयन विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मेटल आयन विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन, ओके। तो इसको पहले कंप्लीट करो, यहां तक लिख लो, उसको लिख बना लो और मैं फिर उसको डिक्टेट करता हूँ, ओके, थैंक यू।